फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 118। इनमें से किसका इनर्शिया ज़्यादा है? नेचुरली जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर आएगा स्टोन, ट्रेन और फायर पी कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर इस गेम में एक फुटबॉल प्लेयर किक मारता है, एक फुटबॉल को वो दूसरे प्लेयर के पास जाती है, दूसरे प्लेयर किक मारता है तो वो गोलकीपर के पास जाती है, गोलकीपर इसे कलेक्ट करता है फिर उसे किक मारता है। तो हमें बताना है कौन कौन एजेंट और कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई। तो सबसे पहले फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर ने वेलोसिटी चेंज की, फिर अनदर प्लेयर ने क्योंकि उसने भी किक लगाई है, फिर गोलकीपर ने रोकी है तो वहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई, और उसके बाद गोलकीपर ने दोबारा किक मारी है वहाँ पर दोबारा वेलोसिटी चेंज हुई। तो टोटल एजेंट्स यहाँ पर 3 हैं और वेलोसिटी जो चेंज हुई है वो 4 टाइम्स चेंज हुई है। एक पेड़ को विग्रेसली शेक करने पर उसके लीव्स क्यों डिटैच हो जाते हैं? क्योंकि शेक करने पर ली ब्रांच तो मोशन में आ जाती है पर लीव्स रेस्ट में रहना चाहते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसलिए वो नीचे गिर जाते हैं। बस की ब्रेक लगने पर पैसेंजर्स क्यों आगे गिरते हैं? क्योंकि ब्रेक लगने पर बस के साथ लोअर बॉडी रेस्ट में आ जाती है जबकि अपर बॉडी मोशन में है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इसलिए वो फॉल्स फॉरवर्ड होती है। इसी का ऑपोजिट है, अगर बस एक्सेलेरेट करती है तो पैसेंजर पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं? क्योंकि एक्सेलेरेट करने पर लोअर बॉडी मोशन में आ जाती है जबकि अपर बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है, तो मेन रीज़न है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट जिसके कारण पैसेंजर्स जो है वो पीछे की तरफ गिरते हैं। Thanks, have a nice day, God bless you.